टी20 वर्ल्ड कप फाइनल अपने नाम करने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी। दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि उनका आखिरी टी20 मैच था, टीम को विश्व विजेता बनते देखना उनका सपना था। इन दोनों का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन क्या इनकी जगह आसानी से भरी जा सकेगी, ये मुश्किल है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी लगभग एक दशक से भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे हैं। निकट भविष्य में विराट और रोहित के रिप्लेसमेंट मिल पाने को लेकर अभी संशय है, और इस बात को बल दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष रॉजर बिनी ने। रॉजर बिनी ने कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली के संन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों को रिप्लेस करना कठिन है। 1983 के वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे बिनी ने कहा, दोनों बेजोड़ खिलाड़ी हैं, फिलहाल इन दोनों का रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ये समय बहुत बड़ा नुकसान है। उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छे युवा क्रिकेटर मिलेंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इससे पहले BCCI ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से टीम इंडिया की जीत पर कई पोस्ट किए। एक पोस्ट रोहित शर्मा के संन्यास पर भी है, इसमें लिखा है, कप्तान रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद संन्यास ले रही हैं। उन्होंने एक खास संदेश के साथ रिटायरमेंट ली है, धन्यवाद कप्तान। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को 11 साल के बाद ICC टूर्नामेंट की जीत का तोहफा देने के बाद दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस ऐलान की पटकथा शायद विराट और रोहित ने पहले ही लिख रखी थी, आज बस उसकी घोषणा की जानी थी। 37 साल के रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट के पहले वर्ल्ड कप से टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। उन्होंने अपने 9वें टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की घोषणा करते हुए कहा, ये मेरा भी आखिरी गेम था, अलविदा कहने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। मैं इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए बहुत बेताब था, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं ये चाहता था और ये हो गया। मैं खुश हूँ कि इस बार हम कप जीत पाए। फाइनल मुकाबले में कोहली ने टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 35 साल के कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेली। उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, ये मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप था और हम ट्रॉफी ही हासिल करना चाहते थे। ये भारत के लिए मेरा आखिरी टी20 मैच था, हम ट्रॉफी को उठाना चाहते थे। अगर हम मुकाबला हार भी जाते तो भी मैं अपने संन्यास की घोषणा करता, ये बात सबको पता थी। इस बीच टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है शुभम ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप।